इस राक्षस ने भी मुझे बेवकूफ बना दिया। अब कहाँ आ गया हूँ मैं? अब आया हूँ तो थोड़ा समुद्र का आनंद ले लूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरी गर्मियों की छुट्टियों के लिए अच्छी जगह है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। उस तरफ जाकर देखता हूँ, हमेशा की तरह कोई ना कोई गुफा तो जरूर दिखेगी। उधर भी कुछ नहीं था, यहाँ जाकर देखता हूँ। अरे यहाँ भी कोई नजर नहीं आ रहा है। ये कैसा टापू है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। इधर भी कुछ नहीं है, ये कैसी जगह है। अब तो आखिरी जगह बची है, चारों दिशाओं के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, वहाँ एक छोटा सा टापू नजर आ रहा है। वहाँ कैसे जाऊं? लेकिन इसके लिए मुझे छोटी सी नाव बनानी पड़ेगी। ये लकड़ियाँ एकदम सही रहेंगी नाव के लिए। ये रही मेरी नाव, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इतनी मेहनत के बाद बड़ी प्यास लग रही है, जरा नारियल पानी पी लेता हूँ। पता नहीं क्यों, जब से मैंने वो आम खाए हैं तब से भूख ही नहीं लग रही है, बस प्यास लग रही है। चलो यही नारियल तोड़ लेता हूँ। हाँ, मज़ा आ गया। अरे ये क्या बिच्छू, तू मेरा रास्ता रोकेगा? देख अलग हो जा, नहीं तो बहुत मारूंगा, नहीं मानेगा। अब उस बेचारे बिच्छू को क्या पता कि मैं उससे बड़े बड़े बिच्छुओं को मैं चुटकियों में मार डालता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है, जमीन क्यों हिल रही है और ये आवाज कैसी? ये क्या है, इतना बड़ा बिच्छू? अरे इतना बड़ा बिच्छू भी नहीं मारा मैंने, कभी कभी लगता है कि जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, इतना बड़ा बिच्छू होता भी है। जरूर इस छोटे वाले बिच्छू ने शिकायत की होगी, अरे इतना भी नहीं मारा था। अच्छा रहा ये नाव पहले से ही बनाकर रखी हुई थी। अब बस डर यही है कि इस बिच्छू को तैरना ना आता हो। बच गया अब नहीं आने वाला इस टापू पर। हाँ बाल बाल बच गया उस बिच्छू से। हाँ पहुँच गया टापू पर, थक गया था उस बिच्छू से भागते भागते। हाँ जरूर यहाँ कुछ तो होना चाहिए इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए। इस टापू पर भी कुछ नहीं मिला। शाम होने जा रही है, आग जला लेता हूँ, अब तो कल ही सोचूंगा क्या करना है। अरे ये टापू कैसा हिल रहा है, भूकंप आ गया है क्या? क्या करूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। एक काम करता हूँ, पेड़ को ही पकड़े रहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या इतना बड़ा कछुआ, मैं तब से इसे एक टापू समझ रहा था और इसके ऊपर आग जला के बैठा हुआ था, इसी आग की गर्मी से ये जाग गया। अब तो ये मुझे पानी में डुबा कर ही दम लेगा। ये मुझे किनारे तक ले जा रहा है, लगता है बच जाऊंगा। अब इस टापू पर और कोई जानवर नजर ना आए, कहाँ भागूंगा। अरे वहाँ की रेत इतनी चमक क्यों रही है, छू कर देखता हूँ।
ये क्या सीढ़ियाँ? नीचे तो जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता भी नहीं है। आज पहली बार देखा टापू में भी सुरंग होती है। बहुत अंधेरा है, कहाँ जाऊँ? यहाँ तो बहुत सारे रास्ते हैं और अंधेरा भी बहुत है। चलता जाता हूँ, कहीं तो मंजिल मिलेगी। ये फिर पीछे से आवाज़ आ रही है, अब कौन होगा? क्या है वहाँ? आ गए सवल, आ गए। तुम यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब कि तुम होशियार होने के साथ साथ साहसियों निडर भी हो। पहली बार आपको देखकर मुझे डर लग रहा है। डरना भी जरूरी है सवल, यहाँ से निकलने के लिए तुमको। हाँ जानता हूँ, एक पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली? मैं तो तुम्हें आगे का रास्ता बताने वाला था। क्या? अरे नहीं, ये क्या बोल दिया मैंने? सवल, तुमने पहेली पूछने को भूल ही दिया है, तो ध्यान से सुनना इस दुनिया की पहेली। किसी शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके घर में तीन नौकर काम करते थे। पहला नौकर बावर्ची था, जो सुबह 6 बजे आता था और चाय नाश्ता मालिक को देकर 9 बजे चला जाया करता था। दूसरा नौकर सफाई वाला था, जो सुबह 9 बजे आता था और पूरे घर की साफ सफाई करके 12 बजे चला जाया करता था। तीसरा नौकर माली था, जिसका काम घर के बाहर उगे पेड़ पौधों पर खाद पानी आदि देना होता था, जो काम करने के लिए 12 बजे आता था और 3 बजे चला जाया करता था। सभी नौकर अपने काम में व्यस्त रहते, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता था। एक दिन उस घर में उस मालिक का कोई कत्ल करके चला जाता है। उसका पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है। वह डिटेक्टिव बारी बारी से सभी नौकरों से पूछताछ करता है। बावर्ची बोलता है वह सुबह 6 बजे आया था और 9 बजे चाय नाश्ता बनाकर वह चला गया था। फिर माली को बुलाया गया, उसने कहा मैं 12 बजे आया था और पेड़ पौधों को खाद और पानी देकर ठीक 3 बजे चला गया था। फिर सफाई वाले को बुलाया गया, उसने कहा मेरा समय 9 बजे से 12 बजे तक का रहता है, मैं पूरी घर की सफाई करके मैं ठीक समय पर चला गया था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और तहकीकात के लिए वह डिटेक्टिव उन तीनों को अगले दिन आने को कहता है। फिर डिटेक्टिव अपने ऑफिस चला जाता है। अगले दिन डिटेक्टिव फिर आता है। गेट के पास उसे एक फ़ोटो मिलती है। फ़ोटो में एक खूनी खून कर रहा होता है उस मालिक का। ये फ़ोटो देख वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तहकीकात के बुलाए जाने पर तीनों नौकर अपना अपना काम करते रहते हैं। उन तीनों पर उस डिटेक्टिव की नज़र रहती है। फोटो भेजने वाला होगा कौन और इन तीनों में खूनी कौन होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसी पहेलियाँ ये लाते कहाँ से हैं? तो बताओ बताओ सवल, इन तीनों में खूनी होगा कौन? मुझे लगता है कि शायद वो सफाई वाला होना चाहिए खूनी। सबल, तुम्हें इसका उत्तर सोच समझ कर देना है और उसका कारण भी बताना है।
नहीं तो इस टापू पर भटकते रह जाओगी। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। हाँ, जैसा कि बताया है, मालिक के तीन नौकर हैं। उनमें से पहला नौकर बावर्ची है, जो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहता है। दूसरा नौकर सफाई वाला है, जो 9 बजे से 12 बजे तक रहता है। और तीसरा नौकर माली है, जो दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहता है। इसमें एक फ़ोटो भी बताई गई है, खूनी के साथ वह टाइम भी बताया गया है, जिसमें 10 बज रहे हैं। उस घड़ी में 10 बज रहे हैं, इसका मतलब है कि उस घर में सिर्फ एक नौकर मौजूद था, और वह था सफाई वाला। लेकिन उस फोटो में एक और चीज़ नज़र आई है, जो शायद उस खूनी ने नहीं देखी। वह थी उस मालिक और उस खूनी की परछाई। वो परछाई खूनी के दाहिने हाथ तरफ बनी हुई थी, लेकिन खूनी के बाएं हाथ तरफ ना कोई दरवाज़ा है, ना खिड़की, ना कोई बल्ब लगा हुआ है, तो वह उजाला आया कैसे? हाँ, लेकिन खूनी के दाहिने हाथ तरफ उस कमरे में एक खिड़की ज़रूर बनी हुई है, जिसके कारण उस खूनी और मालिक की परछाई बाएं तरफ बननी थी। लेकिन वह परछाई खूनी के दाहिने हाथ तरफ बनी हुई है, और वहीं खिड़की भी बनी हुई है, जो कि संभव नहीं है। इससे ये पता चलता है कि उस फोटो को पलटाया गया है, जिसमें खून 10 बजे नहीं 2 बजे हुआ है, और खूनी दाएं हाथ का नहीं बाएं हाथ का है। उस खूनी ने वह खून ठीक 2 बजे करके किसी कैमरे के द्वारा अपनी ही फ़ोटो खींची, और उस फोटो को पलटा कर बना दिया, ताकि सबको लगे कि खून 10 बजे हुआ है और खूनी दाएं हाथ का है। जब डिटेक्टिव ने तीनों नौकरों को काम करते हुए देखा, तो बाएं हाथ से सिर्फ माली काम कर रहा था। बाएं हाथ से काम करने वाला और 2 बजे उपस्थित रहने वाला कोई और नौकर नहीं, माली था। और किसी तरह वह फोटो डिटेक्टिव तक पहुंचाने वाला भी माली ही था, जिस कारण उस पर शक न करके दाएं हाथ वाले पर शक किया जा सके। सबल, तुमने इस बार भी सही उत्तर दिया। तुम बहुत होशियार हो। अब तुम इस दुनिया से आगे जा सकते हो। अरे लेकिन सुनो, मेरी कोई और बात सुनते ही नहीं है, सिर्फ सवाल पूछने लगते हैं। अब पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंचाएंगे ये शैतान लोग। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी चैनल सचिन टून्स ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें।